हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरी वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिससे इनका उपचार कर सकूं। वैद्यराज, रघुवीर, अधीर होने से रोगी की पीड़ा दूर नहीं होती। उपाय है लेकिन अत्यंत दुष्कर, अत्यंत दुर्लभ। आप बताइए तो सही श्रीमान जी। क्या बताऊं हनुमान, यहां से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्य उदय से पहले लौटकर आना असंभव है, इसलिए बताने से क्या लाभ। वैद्यराज, मैं अपने प्रभु के लिए हिमालय तो क्या, कहिए तो ब्रह्मलोक की प्रदक्षिणा करके भी रात रात में लौट आऊं। आप वो दुष्कार्य बताइए तो सही। यदि इतना साहस है तो सुनो, कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। वहां चार महा औषधियां ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। उनके नाम हैं विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी, संधानी और मृत संजीवनी। इनमें से एक घावों को भर देती है, दूसरी कटे हुए अंगों को जोड़ देती है, तीसरी विकलांग अथवा विकृत शरीर को यथावत रूप दिला सकती है, चौथी मृत संजीवनी जो यदि समय पर मिल जाए तो मृतक को जिला सकती है। इसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है, परंतु लक्ष्मण के पास केवल एक रात का समय है, इसलिए यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए। छिन छिन छिजेरेन कर विलाप हर मनुज सम, कहत बंधु से बैन। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत, भैया को रुला रे बोल कछु बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा, मेरे रहते वान शक्ति का तेरे तन में लागा। जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा, मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। भैया को रुला रे बोल कछु बोल। बीती जाए रैन पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए, बुझता जाए आस का दीपक मन वा धीर गवाए।
सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए। बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए, चुप चुप रह गए, चुप चुप रह गए मेरा धीरज न तोल मेरे लखन दुलारे। बोल कछु बोल रे मत भैया को रुला, बोल पूर्व ही आ पहुंचे।